हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जीटी होम्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से डिपार्टमेंट अपनी गलतियों को छुपाता है, ये केस उस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर की गई। जब असेसमेंट की गई तो एसएससी की रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट कर लिया गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, या दूसरे शब्दों में जिस साल की असेसमेंट की गई, उस साल के अंदर एसएससी ने 20 लाख रुपए का लोन रिसीव किया था ए लिमिटेड से, और साल के दौरान 2.07 करोड़ का लोन रिपे किया था, जो कि 7 अलग अलग कंपनियों को किया गया था। असेसमेंट करने के बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन आई सेबी से कि जो ये 7 कंपनियां हैं जिनको लोन रिपे किया गया है और जिस कंपनी से लोन लिया गया है ए लिमिटेड, ये शेल कंपनीज हैं। इसके आधार पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर, जो कि इस चीज के लिए होता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है रेवेन्यू के हक में। सेक्शन 263 की रिविजन की यह मर्यादा है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उसके रिकॉर्ड का पार्ट बने। तो सबसे पहले तो इस केस के अंदर यह प्रश्न था कि जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करी, तब असेसिंग ऑफिसर के पास यह जानकारी नहीं थी कि यह शेल कंपनीज हैं। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह इंफॉर्मेशन आई कि यह शेल कंपनीज हैं, तो क्या यह इंफॉर्मेशन जो बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आई, क्या ये इंफॉर्मेशन को ये कहा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड का पार्ट है? दूसरा, जब इसके रिवीजन के ऑर्डर कर दिए गए, तो असेसिंग ऑफिसर ने जो 20 लाख रुपए का लोन रिसीव किया था, उस 20 लाख रुपए के लोन को सेक्शन 68 के अंदर ऐड किया, जो कि अनएक्सप्लेन क्रेडिट की बात करता है। दूसरा, जो लोन रिपेमेंट करी थी 2.07 करोड़ की, उसको सेक्शन 69 सी के अंदर ऐड किया, जो कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के दिशा निर्देश देने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों अमाउंट्स का एडिशन कर दिया, 20 लाख रुपए का सेक्शन 68 के अंदर कर दिया और 2.07 करोड़ का जो कि लोन रिपे किए थे उसका 69 सी के अंदर कर दिया। जब एसएससी आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि जो 20 लाख रुपए का एडिशन किया है वो तो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो सेक्शन 68 के अंदर है, अनएक्सप्लेन क्रेडिट हो गया। लेकिन जो 2.07 करोड़ का एडिशन किया गया वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि लोन की रीपेमेंट को अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर नहीं कहा जा सकता किसी भी दिशा में। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना इस केस में यह है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द आईटीएटी, कि जब असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया और उसके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि ये शेल कंपनीज हैं या नहीं है, तो इस ऑर्डर को इरोनियस कैसे कहा जा सकता है? यदि आपके पास बाद में सेंट्रल सेबी से कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो आप एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर रीअसेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजर के अंदर ऐसी परिस्थिति के अंदर 263 करना जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब डिपार्टमेंट के पास एक तो 148 का वेपन हो गया और एक सेक्शन 263 का वेपन हो गया, तो जोन सा भी उनके केस में दिल करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सेबी से आएगी, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आएगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग से आएगी, तो सभी केसेस के अंदर डिपार्टमेंट 263 करना शुरू कर देगा। बहरहाल, इस केस के अंदर आईटीएटी ने यह जजमेंट दिया कि जो 20 लाख रुपए का एडिशन किया गया है वो जस्टिफाइड है, उससे पहले 263 का जो रिवीजन किया गया वो सही था, और जो एडिशन 20 लाख का किया गया सेक्शन 68 के अंदर वो ठीक है, लेकिन जो लोन का रीपेमेंट है उसका एडिशन आप 69 सी के अंदर नहीं कर सकते अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के बतौर।
इस केस को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब आईटीएटी ने यह कह दिया कि 263 का रिवीजन ठीक है, लेकिन एडिशन 69 सी में नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब एक ये भी निकाला जा सकता है कि एडिशन करने के लिए यदि सेक्शन सही नहीं चुना गया, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जो एडिशन है वो गलत सेक्शन में हो गया, तो यदि एडिशन गलत सेक्शन में हो जाता है तो उस एडिशन का भी कोई भी मान्य नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है जीटी होम्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 102 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 23 जनवरी 2023 को आया।